बात है बेटी, शादी के 3 साल हो गया है, अभी तक दामाद जी गमला कराने काहे नहीं आए हैं? अरे तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ बाबूजी, सब कुछ ठीक है। अरे जब सब ठीक है तो कलवा दामाद काहे नहीं आए हैं? नहीं, बात तो सही है। अब ये फोन करके कॉल करते हैं। पूरा साला संस्कार भूल गया रे दोगला के बच्चा। प्रणाम कर, प्रणाम कर। प्रणाम ससुर जी। खुश रहिए, खुश रहिए। हम कह रहे हैं दामाद जी, अब बेटी के गवना कराने कब आइएगा? अरे आप ही ना बीमार रहते हैं। हम बीमार रहते हैं? कौन बोला है? आपकी बेटी ही तो बोली थी। बेटी तुम बोली हो दामाद जी को कि हम बीमार रहते हैं? नहीं बाबूजी, हम तो ऐसा नहीं बोले। लड़की, अच्छा ठीक है दामाद जी, आप आइए बउआ के गवना करा के ले जाइए, हम ठीक हो गए। ठीक है, हम आज ही आते हैं गवना कराने के लिए। ठीक है, ठीक है, आइए। कल तो मत आने के लिए रेडी हो गए। उस ससुर जी बुलाए हैं गवना कराने के लिए, चलिए। ठीक है, ठीक है बाबूजी, चलिए चलिए। हाँ ठीक, चल। क्या बोल रहे थे पापा फोन पे? कुछ नहीं बेटी, दामाद जी आ रहे हैं। ठीक है, इतना सीधा घर में ही आ गए। पापा आप जाइए ना, रूम में आराम कीजिए ना। लड़के घर से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। दामाद जी आ रहे हैं तो उनके लिए करिया करिया मिठाई लाना पड़ेगा ना। अरे कुछ तैयारी करना पड़ेगा ना। अरे तो मिठाई बाजार में ना मिलेगा पापा, यहाँ सामान तो सब बाहर ही मिलेगा। बात तो सही बोल रही है बेटी, अभी जा रहे हैं और अभी मिठाई लेके आएंगे। आज मेरा गौना है। गौना है? बौना दिख रहा है तुमको? 6 साल से प्यार किया, बौना है। आज बौना दिखने लगा है। बौना ये बहरा है भाई, रे साला नहीं नहीं देता है। गौना? हाँ गौना, लेकिन दोस्त ये तो बोली थी कि इसका पति बकलोल है, नहीं आएगा गौना कराने। पापा बात किए थे उससे फोन पर। लोन पर? अरे लोन चाहिए था तो किसी और से काहे बात की है, हमसे ना बात करना चाहिए था, कम ब्याज पर दिलवा देते, फूफा के बिजनेस है। रे साला फोन बोल रही है, फोन पर बात की है एकर पापा एकर भतार से। सुनाई देता है, बहिरा नहीं है हम। देखो किशोर तुम हमको भूल जाओ। झूल जाओ? अरे किसका पकड़ के झूल जाओ? दोस्त हम पकड़ के झूल जाए। बहिरा भाई की पिक्चर लगी, सुनाई दे रहा है। दिनेश बहिरा बोका चोदा, ये साफ साफ बोल रही है कि हमको भूल जाओ। बोले हम तो सुने ही मिली। अबे भी हम कैसे तुमको भूल जाएंगे? हे भाई, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेबी। कैसा ना बता जाता है भाई, वो सब तुम समझो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। क्या बोल रही है? प्लान कैसे बना रहे हैं? तू समझो, हम कुछ नहीं जानते हैं। कब आ रहा है? देखिए प्लान काम आता है या नहीं। ठीक है, 2 बजे आने वाले हैं। क्या हो जाएगा? और प्लानिंग हो जाएगा। हाँ सही बोला। चल 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 चल, क्या प्लान बनाते हैं देखिए, वीडियो में बने रहे दोस्तों। दोनों तो बैठे हैं, कब से धूप में बैठा के रखा है, तुमको यकीन है कि आएगा? अरे हम 100% कंफर्म है कि ओका बाप गुटखा खाने के लिए रुकेगा ही, झुकेगा ही। अरे साला बुढ़वा कहले है पे झुकेगा, घर मनाने का उसका शौक थोड़ी ना है। रे साला रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा। आ गए, रुकेगा। हाँ अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। देख रुक गया। देखिए बूढ़ा से क्या बात होता है। क्या करें, कुछ ना भी रुक। अब हुआ तनी अगर पुड़िया ला बता। देख रहा है किशोर, गांव में कितना पापी आदमी सब बढ़ गया है। सही बोल रहा है दिनेश, अपना सिखर ले लिए हैं। कितना हरामी है, अपना बिगड़ल बेटी के बियाह झूठ सच बोल के करवा दिया, और सुने हैं कि आप गौना भी करवा रहे हैं। लड़की के बारे में खूब अनापसामे बात चल रहा है। सोच रहे हैं कि कितना भागा होगा लड़का के बाप, जब फूलन के बेटी का बुरा सुन के पूरा यही पर विश्वास कर लेते हैं। अरे बाबू आप दोनों फूलन के बेटी के बारे में कथी बतिया रहे थे? कुछ नहीं चाचा, आप इस गांव के नहीं लगते हैं, इसलिए आपके काम के बात नहीं है। अरे बाबू तनी बताओ ना, बताओ ना बाबू। अरे ये कथी कर रहा है, कथी कर रहा है? आप ही ना बोले, सताओ ना बाबू, सताओ ना। चाचा इतनी कम सुनता है, बुरा नहीं मानिएगा। अच्छा कोनो बात नहीं है। अरे बाबू
कथी कर रहे थे फिल्म की बेटी के बारे में, बताइए ना, हम आपका हाथ जोड़ते हैं बाबू, बताओ ना प्लीज। बोल रहे थे यही कि फुलन चा के बेटी बहुत बड़का सतभत्री है, खुद करेंगे पढ़ेंगे। अरे हाई उम्र में काहे ला पढ़िएगा चाचा। अरे बाबू तुम इसको मुंह बंद करने के लिए बोलो, नहीं तो अपना झांट पर जा रहा हम खुद चाट के मर जाएंगे। अच्छा अच्छा चाचा आप जाइए, ये तो बहिरा है। चल गाड़ी स्टार्ट कर, चल। इनके बातों में आकर देखिए आगे। अभी बुढ़वा गौना करा के नहीं ना ले जाएगा? अरे नहीं ले जाएगा, तुम काहे टेंशन ले रहा है सच में? हाँ चलिए ना, उतरिए ना गाड़ी से। हम नहीं जाएंगे, चलिए ना पापा। अब तो ये गवना मुंह नहीं देंगे, लड़की पूरा कैरेक्टर ले सा है। आपको गलत फैमिली हुआ है। हमारा गलत फैमिली नहीं हुआ है, लड़की है 420, हमको पता चला है। नहीं पापा, रानी बहुत शरीफ लड़की है। रानी? ये रानी कौन है रे? तोरा बियाह तो सपना से ना कराए थे? पापा सपना ही है, मैं दिल से उसको रानी मानता हूँ। वाह तू रानी मानता है, राजा कौन बनाया रे? पहले मर गाड़ी बंद कर दे, तो ससुर दहेज में ना दे लेगा। राजा कौन बनाया? राजा तो कौन बनाया? समधी साहब मार पा मार। समधी साहब अ कथी हुआ जे ससुर जी भी आ गए यहां मार रहे हैं। दामाद जी ये गबना के दिन शेरवानी कौन पहनता है? आप थोड़ा सा पागल है कि? हाँ है हम लोग पागल, तब ये ना मुंह उठा कर चल दिए हैं। अपन बाल बच्चा तो संभालता नहीं है, हमर सोना इतन बेटा के पागल कहते हैं। पापा शांत रहिए, तमाशा नहीं करिए यहाँ। तू तो चुप रे साला मेहर मऊगा, ससुराल में गबना कराने की आ गए, तू तो साला ससुराल के दलाल बन गया। पापा जी अंदर आके चाय पानी कर लीजिए। रहने दो बेटी, अब तो दूरा पर के पानी और पीना पाप है मेरे लिए। क्या हो गया समधी जी, सुबेरे तो आप फोन पर बहुत अच्छा से बात कर रहे थे। अरे भिनसर आपके बेटी का कारनामा नहीं ना पता था हमरा? कारनामा? अब बात क्या है तनी साफ साफ बताइए ना समधी जी। पापा भीतर चल के बात करिए ना, यहाँ बहुत धूप लग रहा है, मुझे काला हो जाऊंगा। चल रे, चल रे साला भरुआ, थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है, धरती पर कोई है ही ना है। हम गौना होने ही नहीं देंगे, हमको आपके बेटी के बारे में पता चला है कि 10-10 हजार भतार है। कौन हरामी बोला है ये बात? अरे ये बात सरासर झूठ है। बात से हमको कुछ लेना देना नहीं है, मैं सपना को लेने आया हूँ और सपना को लेकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा ले जाइए ले जाइए। लेकिन हम नहीं जाएंगे पापा। कहला बेटी ये पहले से बदल गए हैं। कैसे बदल गया है बेटी? शादी से पहले गोरे थे, अब कलुआ हो गए हैं। अरे तो क्या हुआ, लगाएंगे 2-4 दिन निरमा पाउडर और हो जाएंगे गोरा। कलुआ के तागे हैं ये पसंद लगे हो सकता है, लेकिन तू कहियो उजर नहीं होगा, और ये बात संविधान में भी लिखल है। अब बेटी अब काला गोरा से कुछ नहीं होता है, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। जाओ अंदर से सामान लेकर आओ। ठीक है पापा। जाओ जाओ बेटी जाओ। बेटा लड़की गई अंदर, अंधा हो गया है, नहीं तो आज तक किसी भी हाल में गबना नहीं होने देते। आप जैसा सोच रहे हैं सपना वैसी लड़की नहीं है पापा। सही कहा गया है बेटा, 4 कदम चोर से, 8 कदम चुगलखोर से, 74 कदम लतखोर से, एकरा से दूले बना कर रखना चाहिए। आ तू साला लतखोर है, बेइज्जती बेइज्जती होता है दामाद जी के। अरे दामाद जी शाहरुख खान सलमान खान से कम है कि? अब पापा जी लग रहा है कि अंदर कुछ आया है, सांस में था, मुझे बुला रही है, देख के आता हूँ। देख रहे हैं समधी जी कितना प्यार करती है हमारी बेटी दामाद जी से। हाँ हाँ देख लिए, अब पूरे गांव में दिख रहा है कि आपकी बेटी कितना प्यार करती है। भाई बाहर आ गए। पापा सपना घर में दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि छोड़ के भाग गई। हाँ यही ना होगा, जब झांटे का शक्ल रहेगा।